इस खबर को पेश करने में ताउन किया है मस्कती डेयरी प्रोडक्ट्स कोटला अलीजा हैदराबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज बसिलसिले शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अभी अलावा यतीमा दबिलपुरे से हैदराबाद का 1978 से निकलता हुआ ये जुलूस आज 3:30 बजे बाद मजलिस के ज़रिए मुबारक बरपा हुई। वहाँ से इसमें कई उलमा व ज़ाकिरीन और कई एक मातमी अंजुमन के कायदीन के अलावा दूर दराज से भी मोमिनीन यहाँ पर आज की मखसूसी में शिरकत किए, जिसको जुलूस से चुपताजिया भी कहा जाता है, जिसमें जो है आज ये जुलूस से चुपताजिया कबल मगरिब अलावे सरतों मुबारक दारू शफा मैदान गदीर के सामने पहुँचेगा, जहाँ पर मजलिस से पुरचा बरपा होगी, जिसमें मरसिया खानी और मौलाना सीना जानी करेंगे। 6:45 बजे ये जुलूस का अख्तिताम होगा। पिछले 2 महीने 8 दिन 68 रोज़ से जारी अय्याम आज़ादारी का सिलसिला, इसके अंदर 10 मुहर्रम 40 ज़ुलहिज्जा के बाद का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, जो मजलिस अदा के बाद जुलूस चुपताजिया बरपा हुआ जो देख रहे हैं आप। इसमें तमाम जो मौजूद मोमिनीन मोमिनात ज़ायरीन इसमें शरीक है और इमाम हसन अस्करी की शहादत पर ये जो है जुलूस बरपा हुआ। इमाम महदी आखिरुज़्ज़मां 12वें इमाम को पुरछा देने के लिए रात में एक बड़ा काफिला भी राजेंद्र नगर कुए कायम पहुँचेगा। अब ये काफिला जो जुलूस चल रहा है इसका अख्तिताम अलावे सरतौक पर होगा। मैं सिलसिले में तमाम प्रेस मीडिया जो हमारे 68 दिन से हमारे साथ ताउन किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से पुलिस महकमे की जानिब से हमारे पास 120 मुकामात पर जो है तो जुलूस निकाले गए थे और पैदल काफिले निकाले गए थे और जगह जगह पर मजालिसों का इनकात हुआ। इसके इनकात करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस और होम मिनिस्टर और हमारे एरिया के DCP साउथ जोन और एडिशनल DCP जनाब बी आनंद साहब के अलावा सैयद रफीक साहब, इंस्पेक्टर दबिलपुरा, इंस्पेक्टर मुगलपुरा, इंस्पेक्टर मीर चौक, रैन बाज़ार, भवानी नगर, संतोष नगर, इन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम उर्दू अखबार के साथ तमाम सियासी कायदीन जिन्होंने माह मुहर्रम में खसूसी इंतजाम 10 मुहर्रम और 40 के लिए किए थे, इस जमन में आज 8 रबी अव्वल 15 अक्टूबर को 2 महीने 8 रोज़ का अय्याम आज़ादारी का अख्तिताम होगा।